आपका समय भी बेकार है, ऐसा नो। तो क्या ऐसा ही करेंगे? सत्यनारायण की कथा को नहीं सुनी किसी ने? वास्तव में लाइफ में फॉलो करेंगे? वास्तव में अपनी जिंदगी को बदलेंगे? वास्तव में फील्ड में जाके समाज बचाएंगे? सीखेंगे कि यस हम उसका गम क्रेडिट लेकर आए हैं? वेरी गुड साथियों, यही चाहिए हमें, यही चाहिए। ये पहली दस का दम ट्रेनिंग ऐसी है जिसमें रामी सर भंडारी सर नहीं आए हैं, क्योंकि संजीव सर का आदेश है कि अब हम हर महीने, अगर हर महीने नहीं तो दो महीने में एक बार ऐसी दस का दम ट्रेनिंग करेंगे और सिर्फ अपने फाइटरों को सिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे महानुभावों का समय बहुत कीमती हो चुका है, उनकी टीमें बहुत बड़ी हो गई है, उनका शेड्यूल बहुत बिजी हो चुका है, तो वो हमें दो महीने में टाइम नहीं दे पाएंगे, सही है? तो क्या हम अपने लोगों को सिखाएंगे? नहीं, उनकी सिखलाई जो हमने सीखी है वो हम आपको सिखा सकते हैं ना, यस और नो? यस। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या कहीं नहीं है, लेकिन आज के बाद यहाँ से जाने के बाद ये कसम खा लेना कि जितने भी आपके बच्चे हैं, बच्चे कौन से हैं आपके? गुरु होता है वो अपने बच्चों का पिता होता है, यस और नो? यस। लेडीज है वो गुरु माँ है, क्योंकि उसने इस इंडस्ट्री में उसका जन्म दिया है, यस और नो? साथियों कसम खा लेना, यहाँ से जाने के बाद आप जिसको भी न्यू ज्वाइनिंग कराएं, जिसको भी इस परिवार में शामिल करें, साथियों उसको पहले दिन बता देना कि अब से आपका पाठ पढ़ना शुरू होता है और यहाँ की एजुकेशन आपको लेनी बहुत जरूरी, उसका माइंड मेकअप पहले दिन करना है। तैयार है? yes. जिससे कि वो दस कदम ट्रेनिंग में आ सके, वो उसका महत्व समझ सके, क्योंकि आप लोग मामूली व्यक्ति नहीं है, मामूली फाइटर नहीं है, आप हमारे डायमंड्स हैं, आप हमारे भावी डायमंड्स हैं। साथियों आप लोगों को यहाँ पर हमने चुनकर यहाँ पर लिया है, अदरवाइज हम तो 300-400 लोगों को ले सकते थे, लेकिन हमने मना कर दिया अपने फाइटरों से, नहीं, हमें सिर्फ वही व्यक्ति चाहिए जो वास्तव में अपनी जिंदगी में सीरियस है, जो व्यक्ति अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, वास्तव में वो अपने साथ साथ अपने पूरे कारोबार को आगे ले जाना चाहता है, सीखना चाहता है, हमें वही बनना चाहिए और आप वही फाइटर्स हैं। अगर हमने आप लोगों को सिखा दिया, आप लोगों को अपने जैसा बना दिया, तो साथियों हमें यकीन है कि आप भी अपने जैसे लोगों को तैयार कर सकोगे, यस और नो? यस। तो साथियों इन तीन दिनों में आप लोगों ने जो भी सीखा, सर ने सब कुछ सिखाया, पहले दिन आपका माइंड मेकअप हुआ था, ब्रेन वॉश हुआ था कि आखिर दस कदम में होगा क्या, आखिर दस कदम ट्रेनिंग हमें लेने क्यों चाहिए, फर्स्ट डे आपने ये सीखा, यस और नो? यस। आपने सीखा किस तरीके से हम जिस परिवार में आए हैं, जिसका नाम है एसडीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इस संस्था में, इस परिवार में हम आए हैं, तो जिस परिवार में हमने कदम रखा उसकी ताकत क्या है, उसकी ताकत का अंदाजा आपने पहले दिन लगा लिया, यस और नो? यस। आपको समझ में आ गया, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि यस जिस परिवार में हम आए हैं वो कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, बहुत मजबूत परिवार है, यस और नो? यस। कॉन्फिडेंस आता है, आंखों में आकर डाल के बात करना सीखो, ये सबसे कमजोर अगर कोई व्यक्ति होता है वो आपकी आंखों में आकर डाल के बात नहीं कर सकता, कभी भी हम कभी भी आई कॉन्टेक्ट करके बात करें, कभी भी करें, आंखों को हमें चुराना नहीं है, आंखें इधर उधर नहीं करना है, अरे हम बात कर रहे हैं तो सामने नजर होनी चाहिए, इधर उधर क्या देख रहे हैं हम क्या देख रहे हैं, ये डिसिप्लिन के तहत आता है। कभी आप बड़ी मीटिंग में जाना, संजीव सर भंडारी सर अगर बात कर रहे हैं, अनिल कोई सर बात करे और कोई बंदा इधर उधर देख ले तो सर को वही टोक देते हैं, आई कॉन्टेक्ट मिलाओ सर, जब हम नजर से नजर मिलाते हैं सर, हमें एक एक बात क्लिस्टर क्लियर होती है, एक एक बात समझ में आती है, दिमाग में खट कर बैठती चली जाती है, यस और नो? yes. तो हमारा पहला लेसन ये है कि जब भी हम किसी से बात करें कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, और कॉन्फिडेंस से हम बात तभी कर सकते हैं जब आंखों से आंखें मिलाएंगे, यस और नो? yes. तो साथियों आपने वास्तव में इस परिवार की ताकत को जाना, आपने जाना कि वास्तव में किस तरह से हमारी संस्था डे बाय डे ग्रो करती चली जा रही है, आपने सीखा कि 7 सालों में इसने किस तरीके से इतिहास रच दिया है, आज हर जगह 1 करोड़ रुपया का बोलबाला है, इतने कम समय में साथियों इसने टर्नओवर को कहां से कहां पहुंचा दिया, यस और नो? yes. इतना ही नहीं साथियों, इसने शुरुआत करी थी दूसरों के ऊपर डिपेंड होके, हमारे पहले मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, हमारी पहले दिन से मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, लेकिन संजीव सर ने प्रॉमिस किया था कि जब 2.5 साल पूरे होंगे तो हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, और उस वादे को संजीव सर ने पूरा किया, 2.5 साल में
आशीर्वाद हमारे सिर पर है साथियों। वो जो कहते हैं जिस टाइम में कहते हैं, जैसे अभी बहुत सारे भाई कह रहे थे मैंने गोल बनाया, बड़ा अच्छा लगा उन्होंने बताया कि भले ही हम कह थोड़ा सा 2 महीने आगे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने गोल तो बनाया, रात भर उन्होंने बैठे तो गोल ऐसे नहीं बन जाता है। हमें जगना पड़ता है, शिद्दत के साथ दिमाग लगाना पड़ता है, दिल के साथ तैयार होना पड़ता है, तब गोल बनता है। और जब तक गोल नहीं बनाएंगे तब तक वही बात हो जाएगी, सर ने कहा काउंटर पे गया टिकट दे दो, पक्का दे दो, कहीं का भी दे दो, कहीं का भी दे दो। तो वही बात यहाँ पे हो जाती है कि आ तो गए हो, ज्वाइन तो कर लिया है, पता चला 1 साल हो गया ब्रॉन्ज पे लटके पड़े हैं, पता चला 2 साल हो गया है गोल्ड पे लटके पड़े हैं। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि हम अपना गोल सेट नहीं कर पाते, ये इसलिए होता है। लेकिन अचीव क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हम गोल सेट नहीं करते। तो साथियों इस संस्था में जो हमारे महागुरु हमारे भगवान जिनको हम बोलते हैं संगीत सर को, उनका एक गोल सेट है, कब आपको प्रोडक्ट बना के देने हैं, तैयार करने हैं, कब आपकी यूनिट को और बढ़ाना है, कब आपके लिए बेस्ट बेस्ट करना है, उनका एक गोल तैयार है। और हर साल हमारी संस्था जो है डे बाय डे टर्नओवर को इंक्रीज 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 करती चली जा रही है, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि संजीव सर ने अपना गोल सेट कर रखा। तो हम लकी है, भाग्यशाली है कि हम एसडीपीएस जैसी फैमिली में है, एसडीपीएस जैसी कंपनी में है, एसडीपीएस जैसी संस्था में है। साथियों हमें डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जिस संस्था में जिस परिवार में कदम रखा है वो बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म। अब तक हम लोग हताश निराश और पीछे हटते गए, पूछो मनोज दुबे जी से, पूछो हमारे बुलंदा जी से, पूछो हमारे सुधीर सर से, पूछो हमारे आने के लोग वालों से, इन्होंने कहां कहां धक्के नहीं खाए, हमसे पूछो हमने कहां कहां धक्के नहीं खाए, लेकिन हमें जो चीज चाहिए थी वो चीज हमें नहीं मिल पाई। निरंकारी जी ने तो पता नहीं कहां कहां धक्के खाए, हम तो इनके सामने बच्चे हैं। समझो हम लकी है, भाग्यशाली है कि हमें एक बार में ही, आप लोगों को एक बार में ही ऐसी कंपनी मिल गई कि कभी भी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। इतना मजबूत प्लेटफॉर्म, आपके ताकत कितनी है, आप अपनी ताकत को दिखाओ, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपको मजबूत मिल चुका है। ये हिलाना तो बहुत दूर की बात है, इस पर कोई जम के लात भी नहीं मार सकता, इतना मजबूत प्लेटफॉर्म। उस समय मुझे नहीं लगता
आवाज ही नहीं आ रही। yes. इतने सीरियस क्यों हो गए? yes. सीरियस नहीं होना, फील्ड में सीरियस होना हमें तो बंदा आएगा ही नहीं। वो कहेगा अरे देखो यार बिल्कुल सीरियस हो गए। सीरियस नहीं होना, यस करूंगा, दमदारी से आंसर देना है। वास्तव में हम सीखे हैं और जोश में भरे हुए हैं, उस जोश को ठंडा नहीं होने देना है जब तक दूसरी दस कदम नहीं आ जाती। सीखा कि नहीं? पहले हम जाते थे, खूब उसके नाश्ता खाते थे, उससे बातें करते थे, यार दोस्ती निभाते थे, बाद में कहते थे आओ चलो अब मैं स्लीपर्स का प्लान दिखाता हूं। ऐसा करते थे? हां कुछ तो करते थे। कोई बात नहीं, हम गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। जब हम गलती नहीं करें, गलती कौन नहीं करता है? गलती वो नहीं करता जो काम ही नहीं करता। जो काम ही नहीं करेगा उससे गलती होगी नहीं, और जो काम करेगा वो गलती करेगा। या सुनो, गलती करके दोबारा रिपीट ना करना वो लीडर होता है। वो लीडर होता है कि गलती तो हमने की लेकिन हमने रिपीटेशन नहीं किया, हम लीडर। गलती किससे नहीं होती? कोई दूध का धुला नहीं है, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती करके रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। या सुनो, हमें अपने सभी फाइटरों पर पूरा भरोसा है कि वो गलती तो करेंगे लेकिन रिपीटेशन नहीं करेंगे और ना ही अपनी टीम को करने देंगे। या सुनो, आपने बहुत सारी चीजों को जाना, बहुत सारी चीजों को जाना, कैसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्यूज तो बहुत सारे लोगों ने दिए थे, लेकिन हमें और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सिखाया था सबने? एट स्टेप में फोर बेसिक सिखाए थे। और सबसे ज्यादा हमारे बिजनेस को जो आगे ले जाएगा वो क्या चीज सिखाई थी सर? क्या सिखाई थी? क्लोजिंग। क्लोजिंग तो ले जाएगी, वो तो बात का है, बाद में आएंगे भी। सबसे ज्यादा हमारे बिजनेस में जो चीज महत्वपूर्ण रखती है, किसको सबसे ज्यादा पॉइंट मिले थे? किसको सबसे ज्यादा पॉइंट मिले थे? पाथ भूल गए? पाथ, पाथ आया था राइट स्टेप में। उस पाथ में सबसे ज्यादा पॉइंट किसे मिले थे? एटीट्यूड को। हमारा एटीट्यूड जो है अगर ठीक है, सही है, बढ़िया है, 98% का है, तो सर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा एटीट्यूड ही हमें आगे बढ़ाता है और हमारा एटीट्यूड ही हमें नीचे ले आता है। तो इस पाथ वाले शब्द को PATH, इसकी एक एक जो पेशेंस करके जो सारी चीजें बताई है, ठीक है, पेशेंस, एटीट्यूड और टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी, अगर हमने इन चारों पे ही काम कर लिया शिद्दत के साथ, ये वो रास्ता है। अगर इस रास्ते को हमने सही तरीके से फॉलो कर लिया, इसकी एक एक वर्डिंग को निकाल कर, तो सर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, नींद आ रही है क्या? No. मुझे ऐसा लग रहा है नींद आ रही है। क्यों ये कह रहे हैं? बहुत सारी चीजों को सीखा, बहुत सारी गलतियों का रियलाइज किया कि हम ये गलती कर देते हैं, हम ये गलती नहीं करेंगे। बहुत सारे रिव्यूज आए थे कि हम जो है खुद प्लान नहीं दिखाते थे, अपलायंस पे डिपेंड रहते थे, या हम जो है अपने बारे में सोचते थे, अपनी टीम के बारे में नहीं सोचते थे। बहुत सारे रिव्यूज है, लेकिन अब हम जो करते थे, जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करेंगे, और जो हमें करना चाहिए वो हम यहाँ से जाके अप्लाई करेंगे। सुनो, तो साथियों इन तीन दिनों में मुझे पूरा भरोसा है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और सर ने क्या सब सिखाया था?